बारिश के मौसम में आलू और प्याज के पकौड़े तो हम बनाते ही हैं। आज बनाएंगे कुछ अलग बैंगन के पकौड़े। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ज्यादा कटिंग चॉपिंग भी नहीं करनी। हेलो एवरीवन, कुक योर फूड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक बोल में डालेंगे एक कप बेसन, ये बारीक वाला बेसन है। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा अजवाइन, इस तरह से हाथों के बीच क्रश करके। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा, और फिर इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बैटर जितना अच्छा होगा पकौड़े उतने ही टेस्टी बनेंगे। फिर इसमें डाल देंगे पानी, लेकिन सारा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। बैटर ऐसा होना चाहिए जो पकौड़े को अच्छे से कोट करे, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो बैटर हमारा तैयार है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज का बैंगन, इसका ऊपर वाला पोर्शन निकाल देंगे और इसको इस तरह से पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और बैंगन को हमें पहले से काट के नहीं रखना है, जब बैटर हमारा तैयार हो और हमें इसे तलना हो तभी इसको काटें, नहीं तो बैंगन काला हो जाता है। बैंगन को बहुत पतला भी नहीं काटेंगे, इस तरह से मीडियम थिकनेस रखेंगे इसकी, जिससे कि जब हम इसको बैटर में डालें तो ये अपना शेप होल्ड करे। तो इसके स्लाइसेस हमने कर लिए हैं, अब एक एक करके इसको बैटर में डालेंगे, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे दोनों तरफ से और फिर इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन डालते समय का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था। तो इस तरह से मीडियम हॉट ऑयल में हमें इसको तलना है और एक बार ये नीचे से हो जाए तब इसको पलट लेंगे। ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और फ्लफी बनते हैं क्योंकि इसके बैटर में हमने थोड़ा सा सोडा डाला हुआ है, और अगर आपको इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है तो इसमें एक चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकौड़ों का रंग एकदम गोल्डन हो गया है। तो इस तरह से किनारे पे लाकर इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और इसको छान लेंगे। तो इसको छान लिया है, उसके बाद पैन में दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। एक बार जितने पकौड़े आए उतने ही डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि आपस में चिपके ना। बैंगन बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, तो ये बैच भी हमारा रेडी है, इसको भी छान करके निकाल लेंगे। और सेम इसी तरीके से कट करके आप लौकी के पकौड़े भी बना सकते हैं। और बनने के बाद इसको गर्मा गर्म एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और इसको चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना ना जाएं, और कुक योर फूड पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।